Happiness for many people means earning a lot of money in life, becoming very successful in life, and doing everything for their family. That's the happiness for them. But for some people, the meaning of happiness is completely different. One of them is Robert D'Souza. मेरा नाम है रॉबर्ट डिसोजा, मेरा उम्र है 70 साल, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। मैं यहाँ नायगांव में 4 साल से रहता हूँ, मेरा वाइफ के साथ में। मेरी बेटी है एक, वो शादी बन के अपने घर पे है। मैं अभी 25-30 साल से डॉग्स को देता है। पहले मलाड़ में रहता था मैं, तो वहाँ भी खाना देता था। उसके बाद मैं यहाँ आया, मैं 4 साल आया। 4 साल में यहाँ आने के बाद मैं देखता तो मन में, यहाँ कोई कुत्ते लोग को खाना च नहीं मिलता है। ये सब बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स में कोई खाना कुछ कचरा फेंकते च नहीं ना, कचरा वाला लेके जाता है, फिर वो गाड़ी वाला अपना लेके जाता है। हमारे सामने मन में खेती है, खेती बाड़ी बोलता ना, खेती बाड़ी के अंदर मन में कि ये सब गाय भैंस लोग चारा करते, तो उनका गोबर गिरते, वो सूखा होने के बाद में कुत्ते खाते, तो मेरे को देखने के बाद में बहुत ख़राब लगना चालू किया। तो मैं थोड़े थोड़े कुत्ते लोगों को देना चालू किया। ऐसा करते करते अभी 4 साल से 56-60 कुत्ते लोग हैं। चार साल में कुछ भी हो, बारिश हो या कुछ भी हो, बरस के 12 महीने में खाना खिलाता है। बीमार भी रहेगा तो मैं खाना खिलाता है। बारिश के टाइम में रेनकोट डाल के जाता है, पुन खाना तो खिलाता है। मैं बिगर खाना खिलाने से उनको कभी छोड़ता नहीं। दिन में एक बार खाना खिलाता है, भरपेट खाना खिलाता है, और वो खुश रहेंगे तो मैं खुश हूँ।
तूफान ने इधर क्या क्या किया तो? क्या करेंगे वो तो कुत्ते लोग को तो भूखा ही है, उसको क्या कर सकता, तो उसको तो खाना तो मांगता है ना भाई, है ना, वो तो खाना मांगता है, वो तो बारिश हो या कुछ जो बरस के 12 महीने में अपना लेता है। मैं अभी तो अभी तो वो बाजू में दिया तो इतना तूफान है, मैं खुद हल रहा था फिर भी दे दिया। तो उधर खड़ा रहने को नहीं होता, इतना बारिश था। चलो आ जाओ। देखो ना इंतजार कर रहे हैं लोग, सब इंतजार कर रहे हैं, आओ ना इधर उधर छुप के ले लो, बिल्डिंग में घुस के लगो बच्चे लोग, उधर 5 बच्चे लोग गए, अड़े महीने का बच्चे लोग गए, वो लोग ऐसा है सूप के साथ में चावल स्मैश करके देगा ना तो वो लोग खाते हैं। ओके, उनको अभी जाएंगे जाके। ओके, और उसकी माँ है। नहीं भाई साहब, कोई फाउंडेशन या कोई किसी का सपोर्ट नहीं, हम मुझ सब फाइनेंशियली सब मेरा फैमिली हेल्प करता है, मेरा बेटी सपोर्ट करता है उसके लिए फाइनेंशियली, मेरे को कोई एनजीओ से लेन देन नहीं है, मैं अपने जेब में से देता है। मेरे को क्या है, खुशी मिलता है इनको खाना खिलाने से, बहुत खुशी मिलता है। डॉग्स को तो मैं जो उनका पसंद का है वो देता है, वो तो कुछ भी देंगे खाएंगे, पर हम उसका पसंद का क्या है, मीट एंड राइस, चिकन और राइस रोज़ देते मैं उन लोग के लिए। मेरे को रोज़ का 8.5 किलो राइस लगता है, 3.5 किलो चिकन लगता है और 1 किलो लीवर, और उसके अंदर मालूम है कि पैर मुंडी अलग से डाल देता है, ये सब मिला के मालूम है कि उसको अलग से पकाता है, चावल अलग से पकाता है,
सूप अलग से पका के मालूम है कि सब मिक्स कर लेते हैं उनका खाने में, समझे? तो चावल मालूम है कि सूप के साथ में गिल्ला हो जाता है, उसके साथ में मालूम है कि राइस अपना ये चिकन विकिन सब साथ में डाल देंगे, ऐसा देते हैं। मेरा फैमिली का ही सपोर्ट से सब चलता है, वाइफ सब पकाता है बिकाता है सब कुछ, अक्का दिन पकाते रहते हैं, वो अपना भी पकाता है, उनको कुत्ते लोग का भी पकाते रहता है, बर्तन बिर्तन सब धोना बिना वो उसी का ही है, सब मेन वही आदमी है, मैं खाली वो बना के देंगे सब पैकिंग भर के करके, मैं खाली खाना खिलाने को लेके जाने वाला, बाकी का सब काम उसी का ही है। मेरा नाम मेबल डिसोजा है, मैं रॉबर्ट की वाइफ हूँ, 56 इयर्स ओल्ड हूँ मैं। मैं मेरे आदमी को फुल सपोर्ट करती हूँ डॉग को खाना फिट करने के लिए। हम लोग मालाड में थे, जब भी हम लोग रास्ते में अपना ग्रोसरी सब लाने के लिए जाते थे फिश मार्केट, छोटे छोटे किटन छोटे छोटे पपीज रास्ते में पानी में गिला होते थे, लोग सब हड हुड, हम लोग इतना बैठ में तो मेरे आंखों से तो मैं आंसू भी आते थे, मैं बहुत मेरा ओढ़ने तोड़ के मैंने वो किटर्स को लेके फिश मार्केट में रखा। उस दिन से हम लोग इतना हमारा क्या सोच है, इवन मेरा आदमी भी, हम लोग दोनों जो एनिमल्स लवर है, हम लोग ने क्या सोचा, हम लोग दिन में 3-4 बार खाना खाते, उनको दिन में 1 बार मिलता नहीं, और लोगों का पान बारिश में गिल्ला, गर्मी में रहेंगे, वो लोग क्या करें, घर नहीं है, मामा डाडा नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, लोगों का हार्ट वोट दंड से मरना, वही हम लोग को इतना बेड फील होता था ना। उसके बाद हम लोग ने खाना देने का हम लोग ने चालू किया। हम लोग मालाड में थे, लेकिन हम लोग अब बिलीव नहीं करेंगे, हम जिधर हम लोग एरिया में रहते हैं उधर कुत्ते पपीज रहते थे। हम लोग खाना देने स्टार्ट किया, लेकिन नेबर्स हम लोग को बहुत हैरेसमेंट करते, इधर खाना नहीं देने का, वो लोग टॉयलेट करते ये करते बहुत, हम लोग क्या करते थे बिलीव नहीं करेंगे। मैं सवेरे 5:30 उठ के, अब मानो या ना मानो, मैं दिल से मैं बोलती हूँ, वो लोग जो टॉयलेट करता था, मैं न्यूज़पेपर लेके मैं उठा, जब से पेपर से उठाने का, जो नेबर्स लोग उठने से पहले मैं जाके वो लोग को टॉयलेट उठा के मैं डस्टबिन में डालती थी, क्योंकि हम लोग को बहुत सुनना मिलता था। इवन टुडे आज भी इधर हम लोग ने बहुत फाइट किया एनिमल्स के लिए, आज भी हम लोग को सुनना पड़ता है, बहुत हो गया बहुत। जब भी हम लोग फीड करते हैं, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और तुम लोग उसको दंडे से मारते हैं, लातों से मारते हैं, अच्छा नहीं लगता। हम लोग अभी क्या करेंगे, अगर हम लोग उधर से फाइट करके हम लोग घर पे आएंगे, उधर वो लोग को दंडे से मारेंगे, बहुत कुत्ते लोग एक्सीडेंट होकर उधर कितने मर गए, तो कभी है आपको मालूम पड़ गया ना, जो उसका लंगड़ा है वो भी उसी में एक है, बहुत पपीज लोग मर गए, बहुत कुत्ते लोगों को दंडे से मारते हैं। मेरा घर में एक झूली है मालाड में, उसको गर्म पानी फेंकता था, 6 महीने के कुत्ते आपको बताती हूँ, स्ट्रीट डॉग है। उसके बाद हम लोग ने उसको घर में लाया, इतना वो चिल्लाई, आप बिलीव नहीं करेंगे। हम लोग 1+1 में रहते थे, रेंट में थे हम लोग, सराउंड में वो इतना चिल्लाई बहुत। मेरा आदमी ने इवन टुडे, मेरा आदमी इतना मेहनत करते, बारिश होने दो गर्मी होने दो, अभी वो 70 इयर्स ओल्ड, अभी लॉकडाउन है, उनको एक्चुअली उन्होंने नहीं जाना मांगते, फिर भी वो जाते हैं फीड करने के लिए, क्यों उनको वो लोग क्या डॉगी क्या ना, पूरा ग्रुप 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 अपना अपना एरिया में रहता है, जब तक खाना नहीं देते वो लोग जाते नहीं है। इसके लिए आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग इधर जाके 4 साल हो गया, एक दिन हम लोग ने लोग को बिना खाने ये किया नहीं है। मॉर्निंग में दो कुत्ते लोग, आपको मालूम नहीं, कोई शॉर्ट कुत्ते हैं दो बिल्डिंग में है, वो बहुत डरते हैं, उन इंसान को देखते तो इतना वो लोग झगड़ते हैं ना, उन लोग के लिए वो 5th फ्लोर में जाके उनको मॉर्निंग में बिस्किट, उनको दवा, शाम को 6 बजे ऊपर जाके खाना बिना खा के, 70 इयर्स ओल्ड डायबिटीज पेशेंट है, ऊपर जाके नीचे आते, बारिश होने तो कुछ भी। इसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ मेरे आदमी से, बहुत मैं रियली बोलती हूँ, मेरा आदमी जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी उन्हें, मैं दिल से, मैं कुछ बड़ापन नहीं बात कर रही हूँ, मैं मेरे दिल से, क्योंकि हम लोग ने डॉगों के लिए बहुत बहुत, इवन टुडे आज भी अभी उधर एक
कुत्ती है वो बिल्डिंग अंदर बैठती है जाके, उसको क्या गर्मी सहन नहीं होती है? वो आज भी उसको बहुत मारते थे, मैं वॉचमैन को बोलती हूँ तू उसको क्यों मारते है? बोलते नहीं आंटी मैं इधर काम करती हूँ, लेकिन नहीं मारू मत तू उसको भगाओ, लेकिन बिल्कुल नहीं। हम लोग उसका बता दी उसको ऑपरेशन किया, हम लोग ने घर में ला के ऑपरेशन 30 डॉग्स का हम लोग ने ऑपरेशन किया, इतना करके आज हम लोग को सुनना पड़ते मालूम है। यहाँ डॉक्टर ला के अपन ऑपरेशन करते अपने पैसे से मालूम है क्या? कोई यार हम लोग के पैसे वाले नहीं है, 10 साल से काम नहीं करते, रिटायर्ड आदमी है, लेकिन हम लोग के ना छोटे छोटे पपीज है, पपीज लोग क्या लात मारते हैं, हार्ट डोट करते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वो अपने से देखने को नहीं होते। फिर इनको मैंने बोला कुछ भी वो हम लोग कुत्ते को ऑपरेशन करेंगे, तो फिर 20-30 डॉग्स हम लोग ने ऑपरेशन किया, फिर फाइनली क्या हो गया? अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे इसका आबादी बढ़ता है, इनको कुछ खाना नहीं तो उनके बच्चे लोग को कौन खाना खिलाएंगे? तो ऐसा करते करते अपन 32 कुत्ते लोग को ऐसा ऑपरेशन किया, यहाँ ही का ऑपरेशन डॉक्टर को यहाँ ही आने का, ये म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी नहीं आती यहाँ। सोसाइटी वाले देते ना भाई, बहुत देते हैं, हम बोल रहे नहीं बहुत देते हैं, खाली बिस्किट देते हैं, दूसरा कुछ नहीं। दूसरा उसके सुवाए नहीं तो बाद में मालूम है कि ब्रिटेन ब्रेड जो खराब हो गया ना, वो ब्रिटेन ब्रेड मालूम है ना सॉफ्ट रहेंगे तो हम खाते, बाकी वो जब कड़क होने के बाद में मालूम है कि आके नीचे फेंक देंगे, बस उतना ही करते, दूसरा कुछ भी नहीं। और थोड़े जन क्या करते हैं, चावल जो खराब हो गया रहता ना, गल गया रहता है, पानी पानी हो गया ना खराब, वो ला के फेंक देता है इनको चावल। मैं सोच रहा है मालूम है कि कोई भी अगर सोसाइटी के नीचे कुत्ते लोग हैं, उनको अगर आधा आधा चपाती, एक सोसाइटी के अंदर 40-45 अपना घर रहता है, एक आधा चपाती अगर सबको देंगे कुत्ते लोग, मालूम कुत्ते लोग को तो बहुत हो गया मालूम है, पर आदमी वो भी सोचता नहीं, बस अपने बारे में ही सोचते रहता है, ऐसा नहीं होना मांगता है मालूम है क्या, थोड़ा कुछ उनके बारे में भी सोचना है, क्योंकि उनके देखने वाला कोई नहीं। आदमी क्या कर सकता है मालूम है क्या, काम करके जी सकता है आदमी, चोरी कर सक करके जी सकते हैं आदमी, के छीन के भी खा सकते हैं मालूम है क्या, वो उनको वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं मालूम है क्या, उनको क्या है, अपन जब देंगे तोच खाएंगे, पर अपन जब देते नहीं तो खाएंगे कहाँ से। सो आराम करके फायदा क्या है, आगे तो ऊपर जाना तो है उम्र होने के साथ में, तो उसके साथ में मैं कुछ किसका सेवा करके कुछ काम में आएगा तो अच्छा है ना, घर में बैठने से आराम करने से क्या है, एक थोड़ा वक्त उनके लिए भी देता है कुत्ते लोग के लिए, वो लोग भी खुश हम भी खुश, मेरी भी ज़िंदगी अच्छा टाइम पास भी हो जाता है, एक अच्छा उनके साथ में एक व्यवहार हो जाता है, क्योंकि जब उम्र होने के साथ में कोई रिश्तेदार कोई नहीं रहते सब लंबे, तो कम से कम ये मेरे एक दोस्त है, इनको खिलाए तो बहुत खुशी आ जाता मेरे को, अपने एक ज़िंदगी एक सफल हो गया, कुछ तो भी किया ऐसा लगता है, जाने के पहले कम से कम अपना अच्छा काम करके जाओ। भाई मैं अपने काम से रिटायर हो गया, जिंदगी से नहीं भाई साहब।
house.